नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। गुरुद्वारों में जनरल सिंह भिंडरावाला के चित्र लगाने को लेकर करनाल के डाचर गुरुद्वारे का विवाद भारतीय जनता पार्टी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए नया सिरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि संघ के विधायक बख्शी सिंह इस विवाद को हल करने के लिए कभी सिख समाज तो कभी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बाद फिर से सिख समाज में रोष फैल गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साढ़े पन्नू जी ने बड़े विस्तार के दसया है कि कल माने मुख्यमंत्री जी बनावे थे चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ जिहड़ी जिहड़ी साडी गलबात हुई है उस गलबात का बिल्कुल ही राती जिहड़ी अखबार सवेरे छपी रात खबर वो नैगेटिव आई है। असी उस खंडन किया उस अखबार का, उस अखबार में एक खबर जी मान्य मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिता और उस बयान का असं विरोध कर रहे हैं। जे तो किसी ने मीडिया एडवाइजर ने अपने वालों लिख के भेजा है तो असी वो निंदा करने तो अं कहने भी तुरंत प्रभाव के नाल उस एडवाइजर को तुरंत बदलिया जाए क्योंकि उन्होंने बगैर सलाह तो बगैर पूछने नाल गल की है और साड़ी संगत के सामने कल मान्य मुख्यमंत्री जी ने इतने आने का आश्वासन दिता सी कि असी कभी भी अपने 9 तरीक तो बाद असी गुरुद्वारा साहब जाके नतमस्तक हो सकते। अभी कोई डेट तो तय नहीं हुई पर लेकिन कहा प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद जब सांपला में आ रहे हैं रोहतक में उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। सिख समाज के लोगों ने 6 तारीख को मीटिंग रखी है डाक्टर लाओ में भी कि फैसला लेंगे सब, चलो उसके ऊपर देखो जी वो जो फैसला लेंगे हम भी उनके साथ ही हैं। और आपके इस्तीफे की भी कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी कि इस्तीफे देने के लिए, चलो वो तो देखो जैसे उसमें विचार किया जाएगा, जैसे इलाके आ सोच समझ के जैसे कहेगा वैसे चलेंगे ना, तो मेरा कल्ले का निर्णय थोड़ी है। समाज के साथ है आप, क्या कहेंगे? मैं तो अपने समाज के साथ हूँ, पहले भी था आज भी हूँ आगे भी रहूँगा। तो सर क्या कारण मानते हैं जो विवाद इतना बड़ा है, किस तरह वो कारण भी कुछ नहीं था लेकिन वो कारण बनता बनता जो है ना ज़्यादा बन गया, बाकी इतने को कारण बात था भी। सर गुरुद्वारा में कहीं जगह चलो वो तो हर आदमी की अपनी भी आस्था है, कोई घर में लगाए कोई कहीं लगाए, उसमें कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है।